येनोड्रमा की कार्यप्रणाली व अनुमानित समय। पहला, स्कैनिंग पता लगाना। शरीर में जाने के बाद येनोड्रमा पूरी बॉडी की स्कैनिंग करके सेल्स की गहराई में छिपे टॉक्सिन्स का पता लगाता है। इसके अलावा कोशिकाओं में अगर कोई खराबी है तो इसकी भी जांच करता है। अनुमानित समय 1 से 30 दिन। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई। स्कैनिंग के बाद कोशिकाओं से दूषित पदार्थ और जीवाणुओं को बाहर निकालने का काम शुरू होता है। पानी में घुलनशील टॉक्सिन्स या जीव विष, पेशाब, पसीना आदि से बाहर निकलते हैं और जल में अघुलनशील पदार्थ, मल इत्यादि के द्वारा बाहर निकलते हैं। अनुमानित समय 1 से 30 सप्ताह। तीसरा, रेगुलेटिंग बैलेंसिंग, संतुलन। क्लींजिंग के बाद अब नंबर आता है ऑर्गेन और सिस्टम को बैलेंस करने का, जिसके फलस्वरूप हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। अनुमानित समय 1 से 12 माह। चौथा, बिल्डिंग यानी निर्माण। अब शरीर में हीलिंग प्रोसेस आरंभ होता है। इसके अंतर्गत टूटे फूटे एवं नष्ट हो चुकी सेल्स की मरम्मत का कार्य आता है। अनुमानित समय 6 से 24 माह। पांचवा, रीजेनरेशन, पुनर्जीवन। येनोड्रमा का अंतिम कार्य कोशिकाओं को पुनर्जीवित करके नए सेल्स की उत्पत्ति तथा एंटी एजिंग प्रोसेस के द्वारा नव यौवन प्रदान करना है। अनुमानित समय 1 से 3 साल। यानी कि दोस्तों, अगर हम 1 से लेकर 3 साल तक लगातार येनोड्रमा का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं रहता है, आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको येनोड्रमा का सेवन करना है तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं येनोड्रमा आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं इस तरह का वीडियोस जब भी बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप देख सकें। थैंक यू।